यमुना प्राधिकरण के द्वारा जल्द ही वाहनों की रफ्तार को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर 2023 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक हल्के और भारी वाहनों की गति कमी की जाएगी ताकि एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों पर लगाम लगाई जा सके। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा के परी चौक से लेकर आगरा तक 160 से ज्यादा किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे नोएडा और दिल्ली को पश्चिम उत्तर प्रदेश से तक जोड़ता है। ऐसे में अलीगढ़, आगरा, एटा, मैनीपुर जाने के लिए इस एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पूर्वांचल और लखनऊ के तरफ जाने वाले लोग भी इसी एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ एक्सप्रेसवे तक जाते हैं। ऐसे में ये एक्सप्रेसवे महत्वपूर्ण हो जाता है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण हादसे भी लगातार बढ़ रहे हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। खासकर सर्दियों में कोहरे के कारण हादसों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इन्हीं हादसों को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर सर्दियों में वाहनों की गति सीमा को कम करने का फैसला किया गया है। देखिए, हर साल दिसंबर 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक हम लोग स्पीड कम कर देते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अब कर दी गई है कार की, और छोटे वाहनों की 60 कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर इसको प्रचार प्रसार के लिए अखबारों में भी निकाला जाएगा, पंपलेट भी बांटे जा रहे हैं, चाय पिलाए जाएंगे, एंटी फॉग जो है चीज़ों को गाड़ियों में आम रखा जाए इसके लिए लोगों को ट्रेंड किया जाएगा, अनाउंसमेंट भी किए जाएंगे सारे टोल प्लाजा पे। तो एक पूरी तैयारी इसकी कर ली गई है और सभी जगह ये सूचना पहुंच गई है, सभी जगह ये प्रदर्शित भी किया जा रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।